हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मोल और मेरे पास एक आया था सैमसंग का B313E, ठीक है, जिसमें था आपका वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम। तो मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो CPU के नीचे से ट्रैक कटा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका हो जाए तो इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। देखिए, जब आप कंटिन्यू चेक करेंगे ना, ये तीनों में आपका ये बीच वाला में तो कंटिन्यू नहीं आएगा क्योंकि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये बीच वाला में कंटिन्यू नहीं आएगा। ये दोनों आपका एक ही है और ये बीच वाला में शायद आ सकता है। ये आपको ये तीनों ट्रैक को चेक करना है, इसमें आपको तीनों ट्रैक में कंटिन्यू आना चाहिए। ये तीनों ट्रैक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, अगर ये तीनों में कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, देखिए पूरा आ जाना है CPU के पास जहाँ पर माइक लगा हुआ है। देखिए इस तरफ, ये आपका माइक है ना, यहाँ पर माइक है। तो देखिए नीचे से देखिए, आपको इस तरफ देखिए, आपको ये वाला एक मिलेगा रजिस्टर। ओके, तो मैं और एक कलर ले लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। चलिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए पहले ये आपका आ गया एक रजिस्टर, 1, 2, 3 और ये 4 नंबर, और इसका ऊपर वाला में इस तरफ, क्योंकि इस तरफ आपका है पॉजिटिव, इस तरफ आपका है नेगेटिव, तो ऊपर वाला में, ऊपर वाला तक आपका या इसका कंटिन्यू गया है। अगर आप वहाँ से लेकर ये इस पॉइंट तक एक जम्फर लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दिया कहाँ पर, यहाँ से इस तरफ से आपको काउंट करना है 1, 2, 3 और 4 नंबर कैपेसिटर के ऊपर वाला में इस तरफ। मेरा इस पॉइंट पर कंटिन्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब CPU से कहीं ये ट्रैक मिसिंग है क्योंकि बोर्ड थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप डिस्प्ले कंट्रोल में, अगर वहाँ पर कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एग्जांपल लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।